नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिषपुंज टीवी पर। आज कुरुक्षेत्र में हरियाणा के एक जिले जहां से विश्व को मिला था एक संदेश, आज ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा ज्योतिष महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें आज एक हिमाचल की आगंतुक चंपा की, जिनका नाम है आकांक्षा, जिन्होंने बीएड और एमएससी किया, एमएससी केमिस्ट्री से किया। उसके बाद देखो, कहते हैं ना, सितारे बदलते हैं, तो वो टैरो की विशेषज्ञ बनी और आज हमारे साथ हैं ज्योतिषपुंज टीवी पर। नमस्ते आकांक्षा जी। नमस्ते। कैसा फील कर रही हैं आप ज्योतिषपुंज के फंक्शन में आने पर? मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पिछले 2 सालों से ज्योतिषपुंज से जुड़ी हूँ। मैंने अपने करियर की शुरुआत ज्योतिषपुंज टीवी पे ही की थी, फेसबुक के जरिए लाइव सेशन से की थी, तो मुझे यहाँ बहुत खुशी हो रही है। आज इस बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला है इतने सब बड़े ज्योतिषाचार्य के सामने अपनी बात रखने का, उनसे मिलने का, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपनी एमएससी मास्टर्स डिग्री केमिस्ट्री में की, बीएड किया, तो आप एक केमिस्ट्री की प्रोफेसर बनने के बजाय और आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स के माध्यम से और ज्योतिष बनी, टैरो की विशेषज्ञ बनी, तो ये क्या मोड कैसे आया आपकी लाइफ में? एक्चुअली में अगर हम देखें तो ये चीज़ें इंटर रिलेटेड है। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने एमएससी केमिस्ट्री में की है, बट सब कुछ एनर्जी फील्ड पे वर्क करता है। और जब हम मतलब हम 5 एलिमेंट्स को भी जब तोड़ते हैं, जिसके बारे में हमारी सारी ये विद्या बेस्ड है 5 तत्वों पे, जिनका बार बार जिक्र होता है, उनको भी जब तोड़ते हैं तो उसको एनर्जी फील्ड पे एक्सप्लेन करते हैं। और टैरो में भी जब हम एनर्जी रीड ही करते हैं तो सब कुछ एनर्जी फील्ड के अराउंड ही होता है। तो ये एक शिफ्ट ना हो करके उस जो ये विद्या है इसको साइंस के साथ जोड़ने का हमारे यंगस्टर यंग जनरेशन के लिए एक उनके लिए एक जरिया बनने का, ट्रस्ट उनको ट्रस्ट दिलाने का, उनको चीज़ें जोड़ के बताने का, ताकि ये चीज़ें आगे जाती रहें, ऐसे लुप्त ना हो। तो इसलिए मैंने इस तरफ जो है मोड किया। तो ये टैरो की बात करते हैं, तो ये पहले से साइंस से जुड़ी है या आपने जोड़ा इसको साइंस? नहीं, ये हमेशा ही साइंस से जुड़ी है। अगर हम मैंने जैसे बताया एनर्जी फील्ड से बात करते हैं, तो जब भी हम किसी की लाइक रीडिंग करते हैं, हमेशा से ही हम किसी हायर पावर से ही उसको जोड़ के फिर रीडिंग करते हैं। विदाउट उसके हम नहीं चैनल कर सकते हैं कोई भी रीडिंग को, या कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। मैंने नहीं जोड़ा है, ये हमेशा से ऐसे ही आता रहा है। इनफैक्ट हर विद्या जो होती है वो एनर्जी से ही आती है। जो हमारे देवी देवता हैं वो भी एक एनर्जी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने इसको समझा है कि ये साइंस से रिलेट करता है जी। तो आगे आने वाली आप जैसी जनरेशन के लिए आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगी कि टैरो के बारे में और साइंस के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें होती हैं उनका हमेशा साइंटिफिक एस्पेक्ट होता है। साइंस भी एक थ्योरी सब्जेक्ट है, उसको प्रूफ करना पड़ता है, और वही हम लोग इसमें एस्ट्रोलॉजी में और टैरो में कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी इसको डीपली समझोगे तो आप लोगों को भी ट्रस्ट होगा, आप लोग इसका अपने बेटरमेंट के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। पर हाँ, एक बार की मतलब आपको इसमें खुद उतर के देखने की ज़रूरत है। ज्योतिषपुंज ग्लोबल फाउंडेशन के द्वारा ये 3री बार महाकुंभ का आयोजन हुआ है, तो आप यहाँ पहली बार आगंतुक हैं या पहले भी आपने इसमें अपनी भागीदारी निभाई? मैं पहले से जुड़ी हूँ, मैंने लास्ट टाइम इवेंट में होस्टिंग भी की थी, मैं पहले इवेंट से ही ज्योतिषपुंज से जुड़ी हूँ जी। आपसे जानकर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बने रहिए आकाश गुप्ता कैमरामैन पंकज जी के साथ ज्योतिषपुंज टीवी पर। धन्यवाद।